सिमेटिक के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो बोर्नियो सिमेटिक होता है, उस बोर्नियो सिमेटिक का पहली बात तो क्या है, उपयोग क्या है, दूसरी बात क्या है कि बोर्नियो सिमेटिक का हम लोग जब नया परचेस करते हैं तो वो कैसे लेंगे, कैसे हमको मिलेगा और उसका कितना पैसा लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्नियो सिमेटिक क्या होता है, एक हमारा हार्डवेयर टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर टूल, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर टूल। ये हार्डवेयर टूल क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर का सप्लाई सर्किट प्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे जितने भी लोग टेक्नीशियन होते हैं, लोग 8-8, 9-9 साल हो गए रिपेयरिंग करते करते, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस बात की भी आती है कि मोबाइल फ़ोन में कोई लाइन ख़राब हो गया, कोई ट्रैक ख़राब हो गया, वो पूरे मल्टीमीटर से पूरे मोबाइल फ़ोन में बीप बजाते वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको सप्लाई मिल नहीं रही है। जब सप्लाई मिल नहीं रही है तो हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, हमारा मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन पर वो सप्लाई बताएगा कौन भाई, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है और आपके बगल में कोई दूसरी दुकान है, कोई फ़ोन आपसे नहीं ठीक हुआ और बगल वाले से पूछते हो तो वो भी नहीं बताएगा, वो कहेगा बना के दे देंगे, 100 रुपये लगेगा, हम इसमें ये वाली आईसी डालेंगे, ज्ञान देने वाली बात। लेकिन कभी वो बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि वो अगर सब कुछ बता देगा तो भी फायदा क्या है आखिर उसमें, और तुम्हारे में क्या कमी, उसमें ये कमी है कि तुमको वो फॉल्ट ढूंढने में नहीं मिला और हमको वो फॉल्ट मिल गया। जैसे मेरे पास सैमसंग का भी एक मोबाइल फ़ोन आया था, उसमें से एक स्पीकर रिंगर नहीं काम कर रहा था, कोई आदमी किसी ने बनाया था, उसको इतना ख़राब कर दिया था, कह रहा था कि बनेगा ही नहीं, बेकार इसका आईसी ख़राब है, 1.5-2 हज़ार रुपये लगेगा। हमने उसको 1200 रुपये बताया, 1200 बताने के बाद भी 1000 रुपये लिया, लेकिन फिर भी बड़ा खुशी से दे गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका लाइन ब्रेक था, जंपर मारा, पूरा फ़ोन चालू हो गया, सर्किट चालू हो गया। अब आखिर वो क्यों नहीं कर पाया, वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसको अंदर जितना काम था उतना कर लिया लेकिन अंदर का सर्किट उसको चेक करना नहीं आता, ये बात तो क्लियर है। अगर अंदर का सर्किट चेक करना आता होगा तो वो बना लेता। अब जब अंदर का सर्किट चेक करना नहीं आता तो प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन जब किसी से कोई चीज़ नहीं बनती तो उसको इतना बड़ा प्रेजेंट कर देते हैं कि लगता है कि यार क्या बात हो गई, कहते हैं आईसी फूक गई, ये बोर्ड ख़राब है, पूरा बोर्ड चेंज होगा, दुनिया भर कहानी देकर उसको वापस कर देते हैं। अब वो इतनी बड़ी कहानी सुन चुका है तो जब कोई दूसरी जगह जाएगा तो उसको लोग, अगर कोई टेक्निकली बंदा है तो देख के समझ जाएगा कि इसमें कितने का काम है, कितना रुपया दे गए, है ना। हमने आपके ही बैच में शायद पहले ही बोल दिया था कि देखना ये बंदे का 1000 रुपये बोलूँगा तो 1000 रुपये देगा, क्यों देगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतनी कहानी सुन के, नहीं तो बन जाता तो फिर मेरे पास क्यों आता। तो यही बात होती है, आप कह रहे स्पीकर की प्रॉब्लम का कोई आदमी 1000 रुपये कैसे ले सकता है, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है फ़ोन के फॉल्ट के ऊपर। अगर फॉल्ट कहीं नहीं ठीक हो रहा और आप ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको पैसे बनते हैं। अब वो हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो भाई हम भी नहीं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तो है नहीं कि जो हमारे अंदर शक्ति हो जो हमको याद आ जाए। हमने भी जो मदद हमको जो मिलती है वो हमको ये सिमेटिक मदद करता है, क्योंकि सिमेटिक के माध्यम से हमको मदरबोर्ड के अंदर की जितनी भी लाइनें हैं, जितने वायरिंग हैं, जितने कनेक्शन हैं, जितने सप्लाई ट्रैक हैं, वो हमको उसी के माध्यम से पता है। और दूसरी बात क्या है, हम आपको जो सर्किट पढ़ाते हैं वो मात्र वोल्टेज सप्लाई के सर्किट पढ़ाते हैं, बाकी उस वोल्टेज सप्लाई सर्किट के अलावा भी और भी सर्किट होते हैं वो हम आप लोगों को नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि वो सर्किट हम बता तो देंगे लेकिन फिर आप बोलोगे दिखाओ तो हम दिखाएंगे कहाँ पर, वो इंटरनली सर्किट होते हैं। कहाँ सर्किट होते हैं, इंटरनली, इंटरनली का मतलब जानते हो, अंदरूनी, अंदरूनी सर्किट होते हैं। वो अंदरूनी सर्किट हमको बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से हमको मदद मिल जाती है और पता चल जाता है और हमको बनाने में बड़ा आसानी रहता है। आप देखिए ये सॉफ्टवेयर जो टूल है ये तुम्हारा पहली बात तो इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया का सॉफ्टवेयर टूल है, इंडोनेशिया की कंपनी है, टूल है जिसका नाम है बोर्नियो सिमेटिक। अगर इसके ऑनर की बात करते हैं तो इसके ऑनर रिचर्ड करके नाम है, वो इसके ऑनर हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया एशिया को पूरा देखते हैं और उसको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। आखिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सप्लाई ट्रैक्स हैं उनकी फ़ोटो होती हैं। जैसे हमने आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया रेडमी नोट 10 प्राइम, उसका माइक लाइन ख़राब है, उसमें माइक नहीं काम कर रहा है, स्पीकर नहीं काम कर रहा है, ऑन ऑफ नहीं काम कर रहा है। अब उस कंडीशन पर आपको ये समझ में आना कि इसके लाइन में क्या क्या कंपोनेंट कहाँ लगा है, तो इतना हमको याद तो रहता नहीं, तो हम लोग तुरंत फटाफट उसका सिमेटिक खोलते हैं और सिमेटिक खोलने के बाद उसका लाइन पढ़ लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। जो कई जगह से फ़ोन वापस आए हुए फ़ोन भी हम बना लेते हैं,
इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ये सिमेटिक हमारी क्या करता है, मदद करता है। और दूसरी बात क्या होता है, मदद करने के साथ साथ हमको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाता है। देखो टेक्नीशियन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो वो टेक्नीशियन होता है जो चार्जिंग पिन बदल दे फोन ठीक हो गया, और एक तो वो टेक्नीशियन होता है जब अंदर का सप्लाई सर्किट सब खराब हो जाए सब जगह से वापस आए फिर भी उसको बनाए। जो चार्जिंग पिन बदलने वाला उसी काम का 100 रुपये लेता है, और वही सप्लाई सर्किट बनाने वाला उसी काम का 500-600 रुपये लेता है। तो भाई 500-600 क्यों ले रहा है भाई, वो कुछ शक्ति तो है नहीं जो किसी ने हासिल कर ली, वो पूजा कर करके उसने क्या कर रखा है, उनने ये सब चीज़ों को व्यवस्था कर रखी है और उसके माध्यम से काम कर रहा है। अब ये बोर्नियो सिमेटिक ही टूल नहीं आता, और भी दो तरीके के टूल आते हैं। ये बोर्नियो सिमेटिक आता है, एक आता है पैंगमा, क्या नाम होता है उसका, पैंगमा, बोर्नियो सिमेटिक, पैंगमा, मेडिकल थंडर, इस तरीके से कई सारे टूल आते हैं। एक एस्टक करके भी टूल आता है, ये 4-5 तरीके के टूल आते हैं। अगर 4-5 तरीके का अगर आप YouTube में चाहो तो YouTube में इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। अगर आप YouTube में डालोगे बोर्नियो सिमेट्रिक तो बहुत सारा फोटो खुल जाएगा, पैंगमा करके डालोगे तो उसका भी फोटो खुल जाएगा, मेडिकल थंडर डालोगे तो उसका भी खुल जाएगा, और एस्टेक करके डालोगे तो इसका भी खुल जाएगा। तो ये इतने अलग तरीके के टूल आते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला टूल इसलिए यूज करना पसंद करते हैं क्योंकि ये टूल का सपोर्ट अच्छा है, इसकी टीम अच्छी है और आपको हर एक सुविधा आपको प्रोवाइड कराती है। इसका एक कस्टमर केयर नंबर है, अगर आपको कोई टूल चलाने में कोई असुविधा होती है, नहीं चल रहा टूल, नहीं खुल रहा है, तो उसके टूल के ग्रुप में आप जैसे एक बार फोटो खींच के डालेंगे तो मुझे लगता है कि वर्किंग डेज के अंदर मात्र 2 घंटे के अंदर ही आपको फट से रिप्लाई आ जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सिस्टम में अल्ट्रा ट्रिम वीवर एक सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल करिए, जैसे ट्रिम वीवर एंडी डिस्क आते हैं ना, ऐसे एक अल्ट्रा ट्रिम वीवर सॉफ्टवेयर आता है, अल्ट्रा ट्रिम वीवर सॉफ्टवेयर डालोगे और उसको आईडी पासवर्ड वो कहेगा हमको उसी ग्रुप में व्हाट्सअप कर दो, और वो आपको रिसीव करके आपको सिस्टम को बोर्नियो चालू करके दे देगा, मतलब इतना वो सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको हिडन पैसा बोलेंगे, नहीं भाई इसका पैसा लाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं, ऑनलाइन फुल सपोर्ट देते हैं, इसलिए इसका अच्छा है। और जो नए नए मॉडल आते रहते हैं वो इसके अंदर क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। इससे खाली तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं ठीक करते, इससे आप मोबाइल फ़ोन भी रिपेयर करते हो, लैपटॉप भी रिपेयर करते हो, टीवी भी रिपेयर करते हो, स्मार्ट टीवी जो आती है ना उनको भी रिपेयर करते हो, और CRT भी रिपेयर करते हो, जो कंप्यूटर की जो टीवी आती है उन्हें स्क्रीन बोला जाता है। अब वो जो टीवी लगी होती है जिसमें वीडियो वीडियो दिखा देखते हैं हम, तो घर में मूवी देखते हैं और चैनल देखते हैं, वो हमारा स्मार्ट टीवी में आता है, ठीक है, तो उसको भी दिया होता है इसके अंदर। CRT का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन, अरे कंप्यूटर नहीं होता जो डेस्कटॉप होता था, एक डब्बा है फिर स्क्रीन लगी होती है, उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने में इसमें पूरा दिया हुआ है, सारा सॉफ्टवेयर ये देता रहता है। तो इसका मतलब होता है जो नया टेक्नीशियन है या काम करने वाला है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है। अब चलिए बात करते हैं, इस टूल को बारे में जानकारी हो गई। अब ये टूल जो रहता है ये सिंगल यूजर, डबल यूजर, मल्टी यूजर के हिसाब से हमको प्रोवाइड होता है। अगर आप इसका सिंगल यूजर लेने जाते हैं तो समथिंग आपको 3200 रुपये का कीमत का मिलता है, अगर आप डबल यूजर लेने जाते हैं तो ये डबल यूजर समथिंग 4800 रुपये का है। ये इनका रेट हमेशा कम ज़्यादा भी होता रहता है। अगर ये मैंने बात बोल दी तो ये मैंने आज की बात बोली है, कल का हमको भी नहीं पता, कल इनका रेट 150 कम भी हो सकता है, 100-200 ज़्यादा भी हो सकता है। पहले ये आज 4800 का है, इसके पहले मैंने बैच में लिया था तब हमको 5200 रुपये का मिला था, तो 5200 का मतलब होता है इससे ज़्यादा था थोड़ा सा, अब इसका रेट कम क्या है, कम है। फिर उसके बाद और भी जितने ज़्यादा यूजर का कोड लेंगे उतना ज़्यादा कोड मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसको चालू कैसे करते हैं, इसको अपने सिस्टम में चालू कैसे किया जाता है, इसको चालू करने का तरीका क्या है। इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में गूगल खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा, देखिए जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर गूगल पे मिलते हैं। और आप जैसे उस दिन कह रहे थे कि सर हमको चलाना नहीं आ रहा था, कि आप क्या क्या लाइनें खोल देते हो हमको नहीं समझ में आता, आज मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगा तभी मैं आपको एडवांस लेवल की चीज़ों को सिखा सकता हूँ, नहीं तो बस वही रहेगा कि स्पीकर रिंगर माइक चार्जिंग पिन लगाना छोड़ दिया बस काम खत्म। अभी डेड मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले, ग्राफिक लाइट, ऐसे फॉल्टों पे जब बड़े बड़े मेजर फॉल्टों पे जब आप ऊपर आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे बोर्नियो सेमेटिक टूल डाउनलोड। ऐसा खुल जाएगा, ये ऐसा खुल जाएगा। ये देखिए इसमें लिख क्या रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्नियो सेमेटिक वर्जन 4.29 13 दिसंबर 13 पैच। इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये भी जो भी कंपनी बनाती है तो उसका सॉफ्टवेयर आपको जरूर बना के देती है। इसके अंदर हमको एक कोड मिलता है, उस कोड के माध्यम से हमको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। वो आईडी पासवर्ड ही हमारे सिस्टम को क्या करता है, चलाता है। इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओपन करेंगे तो ये आपका बोर्नियो सेमेटिक का सॉफ्टवेयर आ गया है। कई बार ऐसा होता है बोर्नियो सेमेटिक को जब काफी दिन तक चलाते रहते हैं तो चलना बंद हो जाता है। वो इसलिए चलना बंद हो जाता है क्योंकि वो आपसे यही बात बोलता है कि भाई आपका इसमें अपडेट आ गया, आप इसको अपडेट कर लीजिए, या तो आप इसको अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं अपडेट करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा नया पैच। ये हमने पेस्ट किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। अब इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। क्या करेंगे, आप देखिए जैसे स्ट्रैक शेयर करेंगे तो कहीं इसका सेटअप खुल के आ गया होगा। आप लोग देखें पूरे बोर्ड में कहां पर है, सब ये। अब इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कह रहे हैं बोर्नियो सेमेटिक सेटअप, आप इसको इंस्टॉल करना चाहे तो यस करेंगे, ओके। जिस भाषा में करना चाहे तो उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये आपका सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आप जो भी मोबाइल फोन आएंगे सारे मोबाइल फोन का सप्लाई सर्किट इसमें देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए अब इसको इंस्टॉल कर दिया तो इसका देखिए कहीं सेमेटिक का वो बोर्नियो सॉफ्टवेयर का ऐसा बन के आ गया। ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको चलाने के लिए हमारे सिस्टम में इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा तो ये नहीं खुलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें कोड होना चाहिए, आईडी पासवर्ड ये होता है। आईडी पासवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉगिन करते हैं। जब कोई नया यूजर होता है, कौन सा होता है, नया यूजर होता है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू यूजर का ऑप्शन होता है। और अगर कोई यूजर एक साल तक यूज करते करते हो जाता है तो उसके बाद जब उसको रिन्यू करना होता है तो यहाँ पर होता है रिन्यूअल माई बोर्नियो, एक साल के बाद इसको फिर एक्टिवेशन करना होता है। क्योंकि ये सपोर्ट आपको तभी दे पाएगा जब ये क्या होता है, एक्टिवेशन आपको देगा और हमेशा के लिए आपको सपोर्ट देता रहता है। हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर्ड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, बोलेगा यूजर नेम डालो। अब यूजर नेम की हम बात करेंगे तो इसका जो यूजर नेम हम बना रहे हैं ईटेक इंस्टीट्यूट नाम से मैंने इसका यूजर बना दिया। यूजर बनाने के बाद ये क्या काम करता है, ये बोलता है मेल आईडी। क्या पूछता है, मेल आईडी। तो मेल आईडी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
ऐसे ऐसे आप आईडी डाल देंगे। आईडी डालने के बाद फिर बात करेंगे मोबाइल फ़ोन नंबर की, इसमें मोबाइल फ़ोन नंबर डालने को भी बोलेगा, तो आप क्या करेंगे इसमें मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक, उसके बाद ये बोलेगा पासवर्ड बनाओ, क्या बोलेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाने का क्या है कि हम इसके अंदर जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अब पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट जो आप करेंगे वो ध्यान रखेंगे कि एक इसमें करेक्टर अल्फा होता है मतलब बड़ा, उसके बाद सारे करेक्टर छोटे, उसके बाद एक स्टार हैश जीरो ऐसा कुछ लेना होता है, फिर इस तरीके से बनता है, मतलब तीन चार अलग अलग करेक्टर लेने होते हैं, ये इसका कहने का मतलब होता है। तो हम लोगों ने पहले आर दबाया, मोबाइल मोबाइल एट द रेट मोबाइल एट द रेट सोल्यूशन, ये हमने ऐसा क्या कर दिया पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड बनाने के बाद फिर हमको इसमें कोड डालना होता है, क्या डालना होता है ये हमको कोड डालना होता है। जैसे आप कोड डालेंगे तो कोड डालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो एक मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए। तो ये जैसे मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा कोड क्या हो गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है, क्या करना है, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये जो है दो यूजर का कोड है। अब देखिए सबसे पहली बात, तो पहली चीज तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए एक्सपायर 2024/4/20, 2024 में एक्सपायर होगा चौथे महीने 20 तारीख, तो इसने 15 महीने का समय लिया है। कितना समय लिया है, 15 महीने। आज की डेट से अगर आप काउंट करेंगे तो कितना जाएगा समय, क्योंकि आज कितना है, 20 तारीख है ना, 19 का मतलब 20 तारीख, तो 20 तारीख है और महीना कौन सा है, एक, तो 20/1/23 से लेकर के जिसका तारीख बनता है एक साल का 20/1/24, लेकिन एक की जगह पे इसने चौथा महीना ले रखा है, तो चौथा महीने का मतलब होता है 3 महीने एक्स्ट्रा है, मतलब कितना है 15 महीने का कोड है, 15 महीने तक चलेगा। जब ये सॉफ्टवेयर आपका खुल गया तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे अलग अलग खुल के आते हैं। सबसे पहला खुल के आता है जैसे हार्डवेयर, दूसरा खुल के आता है बिट मैप, तीसरा होता है सिमेटिक, अभी समझाता हूँ, फिर एसओसी डायग्राम, लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर, डाटा शीट। डाटा शीट का मतलब आईसी का पूरा पिन डिटेल तक बता देता है, कौन सा आईसी क्या पिन काम करती है। इसके अंदर अभी सॉफ्टवेयर का भी ऐड होने वाला है, जब जिन सॉफ्टवेयर का इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा फीचर रहेगा कि बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये देखो, ये आईडी से हमारा इसका रजिस्ट्रेशन है, सर्वर एसिया है, ये सारा सब कुछ इसमें बंद करके आ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें हार्डवेयर में क्लिक करेंगे, तो हार्डवेयर में क्लिक करने के बाद देखिए इसमें सारा जितने भी मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन का सप्लाई सर्किट खुल जाता है। अगर मान लिया कोई मोबाइल फोन आपके पास बनने के लिए आया और उस मोबाइल फोन का आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा है और आप इसके माध्यम से फॉल्ट ढूंढना चाहते हैं, तो ये बता देगा कौन सा लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो आपको चेक करने में आसानी रहेगी। जैसे मान लिया एग्जाम्पल सी बात आती है, अगर हमारे पास कोई मोबाइल फोन आ जाता है रेडमी का नोट 4, कौन सा फोन आ जाता है, रेडमी का नोट 4, तो नोट 4 मोबाइल फोन आ जाता है, उस मोबाइल फोन के अंदर मान लिया स्पीकर नहीं काम कर रही है, ऑन ऑफ लाइन नहीं काम कर रही है। अभी ऑन ऑफ तो चलो पढ़ाया नहीं मैंने, स्पीकर पढ़ाया, तो मैं स्पीकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। तो स्पीकर नहीं काम कर रहा, तो स्पीकर के लिए आपको शाओमी में जाना पड़ेगा, शाओमी के अंदर फिर आपको क्या देखना पड़ेगा,
रेडमी नोट 4 कहीं दिखाई दे रहा है? रेडमी नोट 4 ये रेडमी का है, अभी नोट नहीं आई सीरीज, ये रेडमी की नोट सीरीज आ गई, ये रेडमी नोट 4 ठीक। अब आपने क्या किया इसको ओपन किया, अब आप इसमें देखेंगे इसके अंदर देखो सिम कार्ड का, एलसीडी लाइट का, इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, बैक कैमरा, हैंड फ्री है, फ्रंट कैमरा, सब कैमरा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है तो उसमें हैंड फ्री की डिटेक्शन लाइन खराब हो जाती है, तो डिटेक्शन लाइन खराब हो जाती है तो हेडफोन का सिंबल बन के आ जाता है। अगर वो लाइन देखी नहीं है तुमको इसमें, तो आप क्या करेंगे, हैंड फ्री सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे। जैसे हैंड फ्री सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा, ये हमारा पेज खुलेगा। इस पेज में उस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। ये सारा ऑनलाइन खुलता है तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, तो हम लोग को वेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जब इसको खोलो और नहीं खुलता, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, फिर बंद करके फिर दोबारा खोलो, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर पे, इस वेबसाइट पे खाली आप ही नहीं लॉगिन होते, और भी बहुत सारे लोग लॉगिन होते हैं। ये देखिए, ये पूरा हार्डवेयर का खुल गया। देखिए मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, ये आपका हैंड फ्री है। सबसे पहली बात क्या, देखिए ट्रैक प्रदर्शित करता है, ये ट्रैक ये बताता है कि आप देखिए सर्किट में से, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। ये देखिए यहां पर लिखा, ये हैंड फ्री डिटेक्शन पिन है, लिख रहा है, ये लिखा हैंड NIC माइक, उसके बाद ये लिखा है हेडफोन लेफ्ट, ये है राइट, तो ये तुम्हारा माइक का लाइन है, ये तुम्हारा लाइन डिटेक्शन का लाइन है, क्या का लाइन है, तो डिटेक्शन के अंदर देखो इसमें कलर फॉर्म इसलिए दे देता है ताकि आप जब इसमें देखते हो तो सारे अलग अलग कलर दिखते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहती है, ठीक है ना। इसको अगर आओ जूम करना चाहो तो यहां से जूम भी कर सकते हो। देखिए ये लिखा ना माइक डिटेक्शन हेडफोन लेफ्ट राइट। अगर मान लिया तुम्हारे डिटेक्शन पिन खराब है तो ये पर्पल वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, पर्पल। अब आप देखेंगे सबसे पहली बात जाएंगे हैंड फ्री जैक पे, ये हैंड फ्री जैक है, इसमें डिटेक्शन लाइन कौन सी है, है ना पर्पल वाली। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये हैंड फ्री जैक है। अगर आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री नहीं काम कर रहे तो आप अगर आप गौर से देखेंगे इसमें, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये हैंड फ्री की यहाँ से सप्लाई है, डिटेक्शन लाइन यहाँ से लाइन जाएगी, इसके लाइन में देखिए कॉइल लगी है, दिख रही है, कॉइल से डायोड लगा है, डायोड के बाद सप्लाई आगे जाएगी। अगर तुम्हारे कल को ये कॉइल खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में हेडफोन घुसेड़ते रहो, कभी हेडफोन पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से लाइन क्या हो गया है, खराब हो गया है। और अगर मान लिया तुम्हारा कल को डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी, या तो हेडफोन पकड़ेगा नहीं, या तो अपने मन से पकड़ के रह जाएगा। तो जब अपने मन से पकड़ के रह जाएगा तो क्या होगा, स्पीकर रिंगर माइक बंद हो जाएंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये डिटेक्शन लाइन को रिपेयर करना पड़ेगा। डिटेक्शन लाइन को क्या रिपेयर करेंगे, डिटेक्शन लाइन में ये रिपेयर करेंगे कि इसके लाइन के लगे कॉइल को चेक करेंगे, डायोड को चेक करेंगे। अब हमारे पास बोर्ड आ गया तो हम लोग मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये जैसे मदरबोर्ड सामने रखेंगे तो तुरंत देख लेंगे ये लाइन है और इसका ये कॉइल लगा है, ये डायोड लगा है, तो सब चीज़ें एक एक करके फटाफट क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अब ये सप्लाई तुम्हारी कौन सी आईसी के अंदर गई है ये भी देखिए, इसमें सब कुछ पूरा प्रेजेंट होता है। ये लाइन यहाँ से आई, लिखा ना हैंड फ्री डिटेक्शन, ये देखिए, ये देखो पहले एक रेजिस्टेंस में गई फिर आप पावर आईसी के अंदर गई है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऐसा है तो ये देखिए रेजिस्टेंस पे इसमें कंपनी ने वैल्यू भी लिख दिया, देखिए ये कह रहा है R1405
और रजिस्टर को आपस में जोड़ रखा है, तो आपस में जोड़ने का मतलब होता है ये रजिस्टर पर तुम जंपर मार दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी देखिए आपके लाइन में एक रजिस्टेंस और लगा है, अगर ये रजिस्टेंस खराब हो जाएगा तब भी तुम्हारा हेडफोन नहीं पकड़ेगा, या हेडफोन पकड़ के ही रह जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर जंपर मारना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट लगा है, वो क्या? कौन सा? वो खाली पॉइंट है, वो तो एक रजिस्टर का पॉइंट है। हाँ, वो खाली है। खाली सिर्फ ये रजिस्टर लगा, यहाँ से इस पर गई फिर आगे गई। हाँ, होगा तो इस जंपर लगा, देखो जिसमें अगर बोर्नियो सिमेटिक बोलेगा कि जंपर लगा दो तो उसमें कंपनी खुद ही आपस में जोड़ के दे देती है, और जिसमें जंपर नहीं लगाना होगा तो उसमें क्या करेगी कंपनी, कंपनी क्या करेगी, ऐसे बोलेगी कि ये लाइन यहाँ से आई है और इसके बाद फिर आगे चली गई है। हाँ, मतलब बीच में गैप। आप चाहोगे तो इस पे जंपर मार सकते हो, अगर जंपर बांधने के बाद नहीं चला तो क्या है, रजिस्टर तुमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा चल गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ये हाँ, आपका ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें देखो कंपनी ने जोड़ रखा है, तो जोड़ने का मतलब क्या है, जंपर मार सकते हैं। और जब कंपनी नहीं जोड़ती तो समझ लीजिए कि आपको जोड़ना नहीं है। तो ये देखिए, इसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प मिल जाती हैं, इससे क्या रहता है कि आपको रिपेयरिंग में क्या रहती है, आसानी रहती है। बोलिए सर। तो वहीं पर भी जंपर मार देंगे, अगर तुम्हारी कल को ये कॉइल, अगर तुम्हारी कल को ये कॉइल खराब हो जाती है, ये तो इस कॉइल को हटा दोगे, इसको आपस में जोड़ दोगे। नहीं, डायोड का, डायोड का एक हिस्सा जुड़ा है और दूसरे हिस्से पे नहीं गया है, तो मतलब ये एक हिस्सा दूसरा हिस्सा माइनस होगा। वो पैलर में लगा है, ये सीरीज में लगा है, सही कह रहे हो। तो डायोड हटा दो बस, सही हो जाएगा, क्योंकि पैलर में ना, तो हटा देने तो शॉर्टिंग हट जाएगी, लाइन चालू हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके लिए देखो, आप देखो ये, अगर मान लिया तुम्हारा ये लाइन खराब है तो इसके लाइन में देखिए कॉइल लगा है, फिर डायोड लगा है, फिर सप्लाई आगे जा रही है, ये देखो रजिस्टेंस लगा है। हाँ, रजिस्टेंस कंपनी ने जोड़ रखा है ना, ये हेडफोन लेफ्ट है, लेफ्ट वाला स्पीकर जो काम करता है, देखो पूरा एक एक करके देखो, फिर सप्लाई यहाँ गई, कंपोनेंट्स होते, तब पावर आईसी के अंदर जा रही है। अब पावर आईसी के तीन पिन नंबर तीन पर जा रही है, कौन सी पिन पर जा रही है, सब कुछ पूरा बताता है। इस वीडियो के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है। तो देखिए, ये हमने जो सिमेटिक का आपको बताया है, इस सिमेटिक के माध्यम से और भी कोई ट्रैक चेक करना, जैसे मान लिया इसका, मान लिया तुम्हारे स्पीकर का लाइन नहीं काम कर रहा है, तो देखिए स्पीकर माइक रिंगर, ये देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्पीकर रिंगर का माइक का लाइन खोल देगा, आपको बताएगा स्पीकर रिंगर का माइक का लाइन कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सारी चीजें हैं, वो भी प्रेजेंट करेगा। नहीं, डाउनलोड कर, ये इसी के वेबसाइट पे तुमको देखना पड़ेगा, आप सिर्फ फोटो खींच सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, फोटो खींच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब अगर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल, ये सिंगल यूजर का कोड ले लिया, वो लोग चाहते हैं कि यार हम कैसे यूज करेंगे, अगर आप कोई अपना दोस्त, फ्रेंड, दोस्त भाई कुछ उसको देना चाहते हो तो उसको कैसे यूज करोगे, तो उसके यूज करने के लिए एक छोटा सा बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने सिस्टम में टीम वीवर या एनी डेस्क इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इसके बाद उसका आईडी पासवर्ड दे दीजिए, इसको खोल दीजिए, तो वो अपने सिस्टम से जाकर आपके सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है और देख भी सकता है। तो एक ये छोटा सा तरीका बन जाता है। तो एनी डेस्क से बिना एनी डेस्क नहीं चलेगा। हाँ, तो इससे डिलीट करना पड़ेगा तुमको, इससे डिलीट करना पड़ेगा, फिर 3 घंटे बाद उसमें लॉगिन होगा,
एक सॉफ्टवेयर जब एक सिस्टम से रिमूव होता है तो दूसरे सिस्टम में लॉगिन होने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है, फिर 3 घंटे जब इससे हट जाएगा किसी के में भी चल सकता है लेकिन दूसरे में डिलीट होना चाहिए। हाँ और क्या, डिलीट करना चाहिए। और जब इस काम को तुम कई बार करते हो तो वो 48-24 घंटे के लिए ब्लॉक कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि कई लोग देख रहे हैं। और सर डबल वाले में अगर ले लें तो डबल लोग चलाओगे, फिर उसमें डबल से ज़्यादा नहीं चला सकते। डबल यूजर ले लोगे तो उसमें 2 लोग चलाएंगे ना, तो 2 अलग अलग सिस्टम में चलेंगे। अब 2 का तीसरा नहीं होगा फिर, भाई आप पैसा डबल कर दे रहे हो, डबल चले 4 का ले लो 4 चलेगा, 10 का ले लो 10 का चलेगा, ऐसा ऐसा भी होता है इसमें, जितने यूजर का आप ले लोगे उतने यूजर चलता है। तो ये हमने जो आपको बताया है किसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 लोगों का पैसा लगेगा, ऐसा भी होता है। आप देखिए इधर, ये जो हमने बताया ये हार्डवेयर के बारे में बताया है, इसी तरीके से इसमें बिटमैप आता है। बिट देखो इधर, जैसे हार्डवेयर खुलता है उसी तरीके से बिटमैप भी खुलता है। बिटमैप में क्या होता है, सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, जब उसमें क्लिक करते हैं तो बताता है कौन सा लाइन कहाँ से जुड़ा था। देखिए मैं उसको ही बताता हूँ, जैसे मान लिया यही हमारे पास MI का ही मोबाइल फ़ोन आ गया, और MI का मोबाइल फ़ोन आ गया, Redmi Note 4 जो मोबाइल फोन अभी दिखाया है उसी का मैं इसमें दिखाता हूँ। इसमें बिट मैप में क्या होता है, खाली डब्बा खुल जाता है। खाली डब्बे का मतलब होता है पॉइंट पॉइंट बने होते हैं, जैसे तुमने सांप सीढ़ी वाला गेम खेला है कि जब यहाँ क्लिक करते तो आगे भागता था, उसी तरीके से इसमें जब आप ट्रैक को सिलेक्ट करोगे तो कौन सा ट्रैक कहाँ कहाँ जा रहा है तो उसको पकड़ते हुए चले जाओगे। जैसे आप मल्टीमीटर में चेक करते हो, पहले ये चेक किया कि यहाँ से यहाँ ये बीप दिया तो मतलब ये जुड़ा हुआ है, ये बीप दिया तो ये जुड़ा हुआ था, ऐसे चेक करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी इसमें शो करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डेली अपडेट देता है। भाई आपसे पैसा किस बात का ले रहा है, पैसा भी तो इसी बात का ले रहा है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन। पूरा लाइन दिखा देगा A to Z, लेकिन पता है इससे जब आप मोबाइल फोन बनाते हो तो कई ऐसे फोन आते हैं जो कई जगह से वापस होते हैं, बन जाते हैं अपने पास। क्यों बनते हैं, क्योंकि हमको पूरे सप्लाई सर्किट के बारे में नॉलेज होता है। अब फिर जब आप पूरा ताम झाम लेकर के बैठते हो, काम करते हो ना, तो आपसे फोन वापस कम जाता है और काम करने में आपको अच्छा लगता है। और जब कुछ दिन आपको इस तरीके से काम करते करते हो जाता है तो फिर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये सब चीज़ें देखनी नहीं होती, आपके दिमाग में खुद ही छपी होती हैं। अब हमको सर्किट देखने की जरूरत नहीं होती, हमको वो जितना सर्किट मैंने इसके अंदर रिपेयर कर रखा है या देख रखा है तो वो हमको पहले से दिख रहा है। देखो हमारी आंखें हमेशा जिंदगी में उसी चीज़ को मानती हैं जिस चीज़ को देख लेती हैं, है ना, और जब तक उसको अपनी जिंदगी में नहीं देखती तब तक उसको नहीं मानती। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्रीदेवी, है ना, ये हमारे सर ने हमको सिखाया था कि जैसे आपको कभी जिंदगी में अगर श्री देवी दिखाई जाएगी तो वही दिखाई देगी, कोई जो अपनी देवी है वो कभी नहीं दिखाई देंगे। हाँ क्यों नहीं दिखाई जाएंगे, क्योंकि हमने उनको ही देखा है। अगर हमको रामायण में श्री देवी वो दिखाई देती तो हम उनको समझते, जब उनको देखा ही नहीं तो हम उनको मानेंगे नहीं, हम उन्हीं को मानते हैं, है कि नहीं है। उसी तरीके से हमारी आंखें की विजिबिलिटी होती है, जिंदगी में जिस चीज़ को देखती हैं उसी चीज़ को मानती हैं। तो इसमें से जो सर्किट होते हैं वो हम लोग मानते हैं। देखिए आप देखो इधर, ये देखिए जैसे इसमें ये खुल गया हमारा, हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जिस पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या होता है, ओपन होता है। इसमें हार्डवेयर में बिट मैप में पूरा पॉइंट 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 खुल जाते हैं। जैसे मान लिया ये तो हमारा हैंड फ्री जैक था, कौन सा था, हैंड फ्री जैक था। अगर हेडफोन नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर देखिए एक रेस लाइन का ऑप्शन आता है, आप रेस लाइन को ऐसे ओके कर देंगे तो ये लाइन सिलेक्ट करते ही लाइन बताएगा। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट करी तो ये बता रहा सबसे पहले सप्लाई यहाँ जाएगी, देखिए ये
इसको चलाने के लिए थोड़ा सा माउस की ऑपरेटिंग अच्छी होनी चाहिए, माउस होना चाहिए। जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बता रहा लाइन यहाँ जाएगा। अब इसके आगे देखिए येलो कलर का पॉइंट है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ब्लिंग। ये जो इतना ग्रे कलर का पॉइंट है ये ग्राउंड है, और ये जितना नीला नीला पॉइंट है ये सारा एनसी है। नीला वाला क्या है? एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, कोई काम का नहीं है, बेकार का पिन है। और जितना भी मार्क सिलेक्टेड पॉइंट है वो येलो है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया तो बता रहा है ये आ गई। इस पर के बाद इस पर क्लिक किया तो ये बोलता है ये लाइन यहाँ पर गई और इस कंपोनेंट पर गई, इस कंपोनेंट को होते हुए इस रेजिस्टेंस पर गई, दिख रहा है? इस रेजिस्टेंस के बाद जब आगे क्लिक करेंगे तो बता रहा है पावर आईसी के अंदर गई। तो अगर इस चीज से ये बात निकल करके आती है कि सबसे पहले पावर आईसी से लाइन आई, इस रेजिस्टेंस पे आई, इस रेजिस्टेंस से होते हुए आगे गई, आगे होने के बाद इस पे आई, इसके बाद इस पे गई, इसके बाद फिर इस पे गई, फिर हमारी लाइन सॉरी इस पे चली गई। तो ये लाइन इससे मार्क करके सिलेक्ट करके देख सकते हैं, उसमें हम वही ट्रैक देख सकते हैं। कल को मान लिया हमारे पास जब हम लोग उस क्लास में आईसी रिबॉल करेंगे, आईसी रिपेयर करेंगे, जैसे तुम्हारी बॉल आईसी थी, एमएमसी आईसी थी, तुमने एमएमसी आईसी को रिबॉल किया, एमएमसी आईसी को रिबॉल करते समय मान लिया तुमसे ऐसी गलती हुई कि दो प्रिंट उखड़ गए, क्या हो गए? दो प्रिंट उखड़ गए। अब दो प्रिंट उखड़ होने पर तुम टेंशन में आ गया, दो प्रिंट उखड़ गए यार तो हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। अब देखो ना उसमें देखो कि इसका एमएमसी आईसी में से ये ब्लू ब्लू कलर का जो पॉइंट दिख रहा है वो एनसी है। अगर कल को वो दो की जगह चार उखड़ जाता तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। कई बार मान लिया तुमने आईसी रिबॉल किया और आईसी रिबॉल करते समय एक बॉल नहीं बना, जब एक बॉल नहीं बना तो तुम सोचोगे एक बॉल नहीं बना यार हमको फिर से रिबॉल करना पड़ेगा, अरे टेंशन लेने कोई बात ही नहीं। आप देखो उसमें कौन सा नहीं बना है, अगर मान लिया तुम्हारा ब्लू वाला नहीं बना है या एक ग्राउंड का नहीं बना तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आईसी को लगा दो चलेगी। हाँ येलो वाले काम के हैं, समझे मेरी बात को? हाँ येलो वाला जो पॉइंट है वो होने चाहिए, येलो वाले पॉइंट हमारे क्या है काम के हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अब जैसे मान लिया देखा कि आईसी का येलो वाला पॉइंट उखड़ गया, अब ये कहाँ से जुड़ा है? तो देखिए जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये बता रहा है इस कंपोनेंट पे जुड़ा है, उस कंपोनेंट्स के बाद देखो आगे भी येलो है, तो जब आगे क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ जुड़ा। देखो ये लाइन कहाँ जा रहा है, कैमरे पर जा रहा है, ये क्या लिखा है J800, ये कैमरा है, यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगेगा, यहाँ पर हैंड फ्री जाएगा, ये फ्रंट कैमरा लगेगा, ये क्या है ये हैंड फ्री जाएगा, ये तुम्हारा क्या लगा है फ्रंट कैमरा। तो ये देखिए सीपीयू का जो कनेक्शन है इस रेजिस्टेंस के माध्यम से कहाँ पर जा रहा है, कैमरे पर जा रहा है। अगर कल को तुम्हारा ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो कैमरा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सीपीयू को लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन में मार्केट में कैमरे खराब होते नहीं बना पाते, बदल दिया नहीं ठीक हो गए वापस, लेकिन अगर उसका लाइन तो हम लोग बना सकते हैं, वो लाइन बनाने के लिए हमारा सिमेटिक क्या होता है मदद करता है। तो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक, क्योंकि भाई देखो मदरबोर्ड के अंदर जो मेन मेन लाइनें हैं उनको ही तो चेक कर सकते हो, और जो सौ सौ हज़ार हज़ार लाइनें उनको थोड़े चेक कर सकते हो, तो उसको चेक करने के लिए ये हमारा मदद करता है। तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद भी बड़ी चीज ये है, ठीक है? तो इससे ये हमको पता चलता है कि कौन सी चीज। अब मान लिया कल को हमारे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग आ जाती है तो हम लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं। मान लिया तुम देख रहे हो कि ये वाला कंपोनेंट ग्राउंड से चेक करने पर बीप दे रहा है, अब यार ये कंपोनेंट ग्राउंड से बीप दे रहा है, कंपोनेंट हटा दिया उसके बावजूद भी बीप दे रहा है, मतलब जो मदरबोर्ड है वो भी बीप दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जैसे ही बिट मैप खोलते हैं और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो वो बता देता है ये यहाँ से जुड़ा है और उसके बाद ये आगे कहाँ कहाँ सप्लाई जा रही है। इस पे बीप आने का मतलब क्या है, ये वाली आईसी शॉर्ट है, फिर सप्लाई यहाँ कॉइल पे जाएगी, कॉइल के बाद आगे जाएगी, फिर आगे तो कितने पर जा रही है, PFO पे भी जा रही है, इस पर भी जा रही है, इस आईसी पे जा रही है, पावर आईसी पे जा रही है, ये सब जगह पे सप्लाई को डिनोट करता है। तो इससे क्या रहता है कि हमको पूरा मोबाइल फ़ोन में एक एक करके सारा सर्किट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और हमको बड़ी डीप लेवल और एडवांस लेवल की नॉलेज होती है। सर ऐसी शॉर्ट है तो फिर उसको रिवॉल्व करेंगे ना? हाँ, अब जैसे मान लिया तुम्हारे यहाँ पर बीप आ रही है तो तुमको ये कन्फर्म होगा कि इससे ये वाली आईसी शॉर्ट हो सकती है, कहा ये वाली शॉर्ट हो सकती है क्योंकि इसका लाइन इसमें शो कर रहा है, ठीक है? अब फिर जब एक बार इसको रिपेयर कर लेंगे तो भविष्य में जब कोई दोबारा मोबाइल फोन वैसे ही आएगा फिर वही कंपोनेंट शॉर्ट देगा तो तुम समझ जाओगे यही वाला इसी शॉर्ट है,
क्योंकि उससे वो जुड़ा हुआ है, वो दिमाग में हमारा बैठ जाता है। तो हाँ, अब बोर्ड तो हमको दिखता है लेकिन किसका कनेक्शन कहाँ से है वो पता नहीं चलता, वो इसके माध्यम से पता चल जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, हार्डवेयर, सॉरी बिट मैप। आप देखिए एक और चीज होती है इसमें, बिट मैप के बाद आता है सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का मतलब होता है वो सिमेट्रिक जो हम आपको पढ़ाते हैं, ये भी एमआई में गए। एमआई के बाद जैसे हमने मॉडल ओपन कर दिया, लेआउट का मतलब होता है प्लेट और सिमेट्रिक का मतलब होता है अंदर का लाइन।